यह पीला पंजा चल रहा है काला कबाड़िया नामक एक व्यक्ति की रियासत से, क्योंकि यह काला कबाड़िया नामक व्यक्ति जिथे लोगों के सामने अपने कारोबार को साफ सुथरा दसदा सी, पर असल च यह जुर्म की दुनिया का बादशाह बनया हुआ सी, जो नजायज हथियारों की सप्लाई, कुड़ियों की सप्लाई और देह व्यापार का धंधा कुड़ियों तो करवाता सी। इस मामले की शिकायत भी काला की पत्नी ने ही पुलिस को दी सी, जिसते वड्डी कार्रवाई हुण पुलिस वल्लों की गई है। काला कबाड़िया दे सारे कारोबार नू जमींदोज कर दिता गया है। काला कबाड़िया दी दूध दी डेयरी, कबाड़ दे दो गोदाम, एक जिम, एक पीजी सहित दुकान अते रिहायशी मकान ते पुलिस ने बुलडोजर चला दिता है। यह मामला यमुनानगर तो सामने आया है। करके प्रशासन की हेल्प की थी, मेरे को नहीं पता था ये सब हो जाएगा। क्या कंप्लेंट क्या दी थी? मैं सर्वे ना उसका मतलब हथियारों का काम करते थे वो। कितने हथियार मिले थे? सर बैग भर रहा था मेरे, देवर है ना सर, जो वो मेरे से छीन के भाग गए थे सर। और कुछ लड़की लड़कियां लड़कियों का मैटर था? हाँ जी सर। क्या था वो? सर वो लड़कियों की सप्लाई करते थे, वो इधर उधर भेजते थे गलत काम करने के लिए सर। कहाँ आपने कंप्लेंट की थी? एसपी साहब के पास की थी सर। और आज जो कार्रवाई हो रही है? सर मेरे को नहीं पता था कि हम घर से बेघर हो जाएंगे, मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी सर, क्या करूंगी। कितनी आपकी यहाँ पे सर? मेरे दो बच्चे हैं। कितनी है? सर यही है बस। हो जाएगा। क्या क्या काम करते थे सर? जी डेयरी भी थी, जिम का भी था सर, और फाइनेंस का काम भी था, कबाड़ी का भी था, जिम भी था। हाँ जी सर। जो कार्रवाई हो रही है कितने लोगों के खिलाफ हो रही है, कितनी कितनी जगह पे कार्रवाई की सर? ये जो है ना इलीगल इंक्रोचमेंट की हुई है एक बंदे ने, करीबन 2000 गज के आसपास की ज़मीन है और सारी इलीगल इंक्रोचमेंट की हुई है, तो इनको नोटिस वगैरह दिए हुए हैं सब, और इनको बोला भी है भाई ये सारी खाली कर दी, इलीगल इंक्रोचमेंट है। तो ये जो है ना एक इलीगल इंक्रोचमेंट के तहत ये एक मुहिम चलाई गई है और ये इलीगल इंक्रोचमेंट को तोड़ा जा रहा है। सर क्या क्या बना हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे इन्होंने अपने स्टोर टाइप के बना रखे थे, एक दो मकान बना रखे थे, जिम वगैरह टाइप की थी, कुछ पीजी वगैरह बना रखा था, और कुछ जो है ना कबाड़ का सामान रखने के लिए कोई स्टोर वगैरह इस टाइप के बना। यह पीला पंजा चल रहा है काला कबाड़िया नामक एक व्यक्ति की रियासत से, क्योंकि यह काला कबाड़िया नामक व्यक्ति जिथे लोगों के सामने अपने कारोबार को साफ सुथरा दसदा सी, पर असल च यह जुर्म की दुनिया का बादशाह बनया हुआ सी, जो नजायज हथियारों की सप्लाई, कुड़ियों की सप्लाई और देह व्यापार का धंधा कुड़ियों तो करवाता सी। इस मामले की शिकायत भी काला की पत्नी ने ही पुलिस को दी सी, जिसते वड्डी कार्रवाई हुण पुलिस वल्लों की गई है। काला कबाड़िया दे सारे कारोबार नू जमींदोज कर दिता गया है। काला कबाड़िया दी दूध दी डेयरी, कबाड़ दे दो गोदाम, एक जिम, एक पीजी सहित दुकान अते रिहायशी मकान ते पुलिस ने बुलडोजर चला दिता है। यह मामला यमुनानगर तो सामने आया है। करके प्रशासन की हेल्प की थी, मेरे को नहीं पता था ये सब हो जाएगा। क्या कंप्लेंट क्या दी थी? मैं सर्वे ना उसका मतलब हथियारों का काम करते थे वो। कितने हथियार मिले थे? सर बैग भर रहा था मेरे, देवर है ना सर, जो वो मेरे से छीन के भाग गए थे सर। और कुछ लड़की लड़कियां लड़कियों का मैटर था? हाँ जी सर। क्या था वो? सर वो लड़कियों की सप्लाई करते थे, वो इधर उधर भेजते थे गलत काम करने के लिए सर। कहाँ आपने कंप्लेंट की थी? एसपी साहब के पास की थी सर। और आज जो कार्रवाई हो रही है? सर मेरे को नहीं पता था कि हम घर से बेघर हो जाएंगे, मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी सर, क्या करूंगी। कितनी आपकी यहाँ पे? सर मेरे दो बच्चे हैं। कितनी है? सर यही है बस। हो जाएगा। क्या क्या काम करते थे सर? जी डेयरी भी थी, जिम का भी था सर, और फाइनेंस का काम भी था, कबाड़ी का भी था, जिम भी था। हाँ जी सर। जो कार्रवाई हो रही है कितने लोगों के खिलाफ हो रही है, कितनी कितनी जगह पे कार्रवाई की सर?
ये जो है ना इलीगल इंक्रोचमेंट की हुई है एक बंदे ने, करीबन करीबन 2000 गज के आसपास की ज़मीन है और सारी इलीगल इंक्रोचमेंट की हुई है। तो इनको नोटिस वगैरह दिए हुए हैं सब, और इनको बोला भी है भाई ये सारी खाली कर दी, इलीगल इंक्रोचमेंट है। तो ये जो है ना एक इलीगल इंक्रोचमेंट के तहत ही एक मुहिम चलाई गई है और ये इलीगल इंक्रोचमेंट को तोड़ा जा रहा है। सर क्या क्या बना हुआ था यहाँ पर? यहाँ पे इन्होंने अपने स्टोर टाइप के बना रखे थे, एक दो मकान बना रखे थे, जिम वगैरह टाइप की थी, कुछ पीजी वगैरह बना रखा था और कुछ जो है ना कबाड़ का सामान रखने के लिए कोई स्टोर वगैरह इस टाइप के बना।